ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. بلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد، جیسا کہ معلوم ہے کہ آج کی جمعۃ المبارک کے خطاب کا موضوع ہے کہ قیامت کے دن کس کس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، قیامت کے دن کس کس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ تعالی کی غیر متناہی نعمتیں ہیں. The bounties of Allah Almighty are countless. پھر ان غیر متناہی اور countless نعمتوں میں سے چار بنیادی نعمتیں ہیں، چار بنیادی نعمتیں ہیں. نمبر ایک، زندگی، لائف. نمبر دو، تندرستی، صحت، گڈ ہیلتھ. اور نمبر تین، امن، پیس. اور نمبر چار، ہدایت ربانی، ڈیوائن گائیڈنس. زندگی تمام نعمتوں کا سر چشمہ ہے. لائف از فاؤنٹین آف آل باؤنٹیز، ڈیلائٹس. انسان کو جو بھی نعمت ملتی ہے اور جو نعمت ملی ہے تو وہ اس کے زندگی اور لائف کی وجہ سے. زندگی نہ ہوتی، انسان معدوم ہوتا، لائف لیس ہوتا تو کچھ بھی نہ ملتا، کچھ بھی نہ ملتا. اس لیے جو بھی نعمتیں ہیں اور ڈیلائٹس آف اللہ المائٹی ہیں، ان سب کا سرچشمہ اور فاؤنٹین وہ لائف اور زندگی ہے. جو بھی نعمت نکلتی ہے وہ زندگی سے نکلتی ہے، اور جس نعمت کا تعلق انسان سے ہوتا ہے تو وہ انسان کی زندگی سے متعلق ہوتی ہے، اور ہر نعمت زندہ ہونے پر اور زندگی پر موقوف ہے.
फिर उसके बाद जिंदगी हो, लेकिन इंसान पूरी जिंदगी बीमार रहे और तकलीफ में रहे तो जिंदगी होती है लेकिन उसका न कोई मजा होता है, न कोई टेस्ट होता है, न मिठास होती है, न चाशनी होती है। इसलिए सेहत और तंदुरुस्ती ये जिंदगी के बाद अल्लाह पाक की बड़ी नेमत है, अल्लाह की बड़ी नेमत है। जिंदगी हो और इंसान तंदुरुस्त भी हो लेकिन अमन और पीस ना हो, तब भी इंसान अपनी जिंदगी से बस औकात बेजार हो जाता है। तो जिंदगी के बाद सेहत और सेहत के बाद इंसान को अमन और पीस चाहिए ताकि वो अपनी जिंदगी और सेहत की नेमत से सही सही तौर पर फायदा उठा सके। फिर जिंदगी भी हो, सेहत भी हो, अमन और पीस भी हो और तमाम सहूलियात और फैसिलिटीज भी हो, लेकिन इंसान सीधे रास्ते पे ना हो, उसके पास कोई हिदायत रब्बानी डिवाइन गाइडेंस ना हो, तो इस जिंदगी में तो वो कामयाब हो सकता है, वो इस जिंदगी में सक्सेसफुल और कामयाब हो सकता है, लेकिन आखिरत की जिंदगी में वो नाकाम होगा। वो जो हमेशा हमेशा की जिंदगी है, जो इटर्नल लाइफ है और दवा में हयात है, उसमें वो शख्स नाकाम होगा, खसारे में नुकसान में होगा। इसलिए जिंदगी की नेमत के साथ साथ इंसान को हिदायत की नेमत चाहिए, हिदायत रब्बानी की नेमत चाहिए, डिवाइन गाइडेंस ये नेसेसरी है, जरूरी है इंसान के लिए। फिर इस्लाम जहां हमें ये बताता है कि अल्लाह ताला की बे इंतहा और बेशुमार नेमतें हैं इंसान पर, तो वहां हमें इस्लाम ये भी बताता है कि उन नेमतों को कैसे कैसे यूज किया जाए, उसको कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि नेमत बहरहाल नेमत होती है लेकिन कभी इस्तेमाल से वो जहमत भी बन जाती है। इसलिए इस्लाम हमें बताता है कि हम अल्लाह ताला की दी हुई हर हर नेमत को सही यूज करें, उसको सही इस्तेमाल करें। ऐसा इस्तेमाल जो अल्लाह पाक ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है, इसलिए कि क़यामत के दिन हर हर नेमत के बारे में पूछा जाएगा, सवाल होगा। अल्लाह पाक ने फरमाया कि फिर क़यामत के दिन अलबत्ता जरूर तुमसे नेमत के बारे में पूछा जाएगा, नेमत के बारे में पूछा जाएगा। तो सवाल ये होता है कि क्यों पूछेगा अल्लाह ताला? दुनिया में अल्लाह ताला ने जो जो नेमतें दी, क़यामत के दिन पूछेगा, इसलिए पूछेगा ताकि इंसान उसको दुनिया में सही इस्तेमाल करे और सही यूज करे। क्यों? जब अल्लाह का ये कानून है कि वो पूछेगा, तो हर मोमिन, हर इंसान ये सोचेगा
कि हमें नेमत को इस तरह यूज़ करना चाहिए और इस्तेमाल करना चाहिए कि क़यामत के दिन अगर अल्लाह पाक ने पूछा तो हम जवाब दे सकें और जवाब से हम शर्मिंदा ना हो, नादिम ना हो। इसलिए अल्लाह पाक ने फरमाया कि फिर उस दिन तुमसे अलबत्ता ज़रूर नेमत के बारे में पूछा जाएगा। रहा ये सवाल कि किस नेमत के बारे में पूछा जाएगा या किस किस नेमत के बारे में पूछा जाएगा, इसमें उलमा के मुख्तलिफ अक़वाल हैं और मुख्तलिफ रिवायात हैं, मुख्तलिफ अहादीस हैं कुतुब तफासीर में और कुतुब अहादीस में। हज़रत सैयदुना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम से इस रिवायत को बयान किया कि अल अम्नु वस्सिहा, कि जिस नेमत के बारे में क़यामत को पूछा जाएगा उसमें से एक अमन है, पीस है और एक सेहत तंदुरुस्ती और गुड हेल्थ है। हज़रत मुजाहिद ने फरमाया कि क़यामत के दिन जिस नेमत के बारे में अल्लाह ताला पूछेगा, कुल्लु शैइन मिन लज़्ज़ति दुनिया, कुल्लु शैइन मिन लज़्ज़ति दुनिया, दुनिया में इंसान जो जो लुत्फ उठाता है, जो जो मज़ा लेता है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला हर लज़्ज़त और टेस्ट के बारे में पूछेगा, सवाल होगा क़यामत के दिन। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत किया कि सिहतुल अब्दान वल अस्मा वल अब्सार यसअलुल्लाहुल इबादा फी मस्तअमलूहु, कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला पूछेगा कि मैंने तुम्हें सेहत दी थी, तुम तंदुरुस्त थे और फिर तुम्हें आंखें दी थी देखने के लिए, कान दिए थे सुनने के लिए, तुम अपनी आंखों से देख भी सकते, कानों से सुन भी सकते, ये बताओ कि तुमने अपने बदन को, अपने जिस्म को, अपनी आंखों को और अपने कानों को किन किन मकासिद और पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया। बदन के इस्तेमाल से पहले तुम्हारा पर्पस क्या होता, आंखों के इस्तेमाल से पहले तुम्हारा जो मेन एम है, जो बुनियादी मकसद है वो क्या होता, और इस तरह कानों के इस्तेमाल से पहले तुम्हारा क्या मकसद होता और क्या ऑब्जेक्टिव होता, क़यामत के दिन पूछा जाएगा। इसलिए लोगों, अल्लाह ताला ने अगर सेहत दी, तंदुरुस्ती दी तो उसको सही इस्तेमाल करो, आंखें दी उसको सही इस्तेमाल करो, कान दिए उसको सही इस्तेमाल करो, मुंह दिया उसको सही इस्तेमाल करो, इसलिए कि क़यामत के दिन इन तमाम के बारे में पूछा जाएगा। तो दुनिया में इस तरह इस्तेमाल करो कि क़यामत को जवाब दे सको, क़यामत को जवाब देने से तुम अल्लाह की बारगाह में नादिम ना हो और शर्मसार ना हो। हजरत क़तादा ने रिवायत किया, साहिब तफसीर मजहरी ने मजहरी में इसको बयान किया कि इन अल्लाह ताला साइलुन कुल्ल नेअमतिन फी मा अनअम अलैहि, कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला हर हर उस नेमत के बारे में पूछेगा जो जो नेमत इंसान को अता की गई, जो जो नेमत इंसान को दी गई, हर नेमत के बारे में सवाल होगा, हर नेमत के बारे में पूछा जाएगा। और इमाम तिर्मिजी ने तिर्मिजी किताब तफसीर में अलहाकुम तकासुर की तफसीर में हज़रत सैयदना अब हुरैरा की रिवायत बयान की, आना भी हो रही रहता, लम्मा नुज़िलत हाज़िहि आया قال الناس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اي النعيم نسأل وانما هي الاسودان والعدو حاضر
وسيوفنا على عواتقنا. جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ تکاثر کی کہ اللہ تعالیٰ ہر ہر نعمت کے بارے میں پوچھے گا, تو صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کس کس نعمت کے بارے میں ہم سے پوچھے گا, کس نعمت کے بارے میں پوچھے گا؟ ہمارے پاس تو کھانے کے لیے پینے کے لیے صرف پانی ہے اور کھجورے ہیں اور دشمن سامنے ہیں اور ہمارے کندھوں پر شولڈرز پر ہر وقت تلواریں آویزاں ہیں, تو اللہ تعالیٰ کس کے بارے میں پوچھے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ذلک سیکون, اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. یہ جو ٹھنڈا پانی پانی کو ملا, پینے کو ملا اور کھجوریں کھانے کو ملی, قیامت کے دن اللہ کے بندوں اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا, اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا. اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کی, فرمایا من اکل خبز البر ویکون له ظل وشرب الماء الفرات فذلك من النعیم الذی یسأل عنه العبد. فرمایا جس شخص کو گندم کی روٹی ملی کھانے کے لیے اور اس کے رہائش کے لیے رہنے کے لیے اس کو سایہ ملا اور پینے کے لیے ٹھنڈا میٹھا پانی ملا, فرمایا قیامت کے دن اس روٹی کے بارے میں, کھانے کے بارے میں, گھر کے بارے میں جو رہنے کو ملا سایہ ملا اور یہ جو ٹھنڈا میٹھا پانی ملا, اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا, سوال ہوگا. حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت بیان کی, انہوں نے فرمایا کہ یسألو عنہ العبد فی ما عملتا بما علمتا, کہ قیامت کے دن انسان سے پوچھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تجھے علم دیا تھا, بتا تو نے اس علم میں کس کس مسئلے پہ عمل کیا. جتنا زیادہ علم ہوگا اتنا زیادہ سوال ہوں گے. پوچھا جائے گا بندے, اللہ تعالیٰ نے تجھے فلاں علم دیا, فلاں دیا, فلاں دیا, کس کس علم پہ تو نے عمل کیا اور کس کس مسئلے پہ عمل کیا؟ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت بیان کی کہ یسأل العبد عن جاہه کما یسأل عن مالہ. فرمایا قیامت کے دن انسان سے جیسے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا, اللہ پاک نے جو اس کو مال و دولت دیا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا, تو ویسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسان کے مقام اور لیول اور سٹیٹس جو اللہ پاک نے اس کو دیا اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں ایک مقام دیا تھا, سٹیٹس دیا تھا, بتا تو نے اس کو کس طرح استعمال کیا اور کیسے یوز کیا. لوگوں جو آج صاحبان اقتدار ہیں, جن کے پاس آج دنیا کا کوئی منصب ہے, دین کا کوئی منصب ہے, یہ آیت اور یہ روایت دعوت فکر ہے کہ اپنے اقتدار کو اور اپنے منصب کو اور اپنے مقام اور سٹیٹس کو صحیح یوز کرو, ورنہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا, سوال ہوگا. اس طرح استعمال کرو کہ قیامت کے دن جواب دینے کے قابل بھی ہو اور جواب دے سکو اللہ کی بارگاہ میں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت بیان کی, فرمایا کہ ما من عبد یخطو خطوة الا یسأل اللہ ما اراد بها. فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی بندے سے ہر اس قدم کے بارے میں پوچھے گا جو قدم اس نے دنیا میں اٹھایا تھا, ہر ہر قدم کے بارے میں, اس کے چلنے کے بارے میں پوچھے گا کہ بندے جب تو چل رہا تھا اور قدم اٹھا رہا تھا, بتا اس وقت تیرا مقصد کیا تھا, تو فلاں جگہ گیا, فار ایگزامپل مثال کے طور پر فلاں جگہ گیا جانے کا مقصد کیا تھا اور کیا پرپس تھا تمہارا وہاں جانے کا,
अल्लाह पाक ने कदम दिए थे, चलने की ताकत दी थी, तुमने उसको कैसे इस्तेमाल किया। और आपको मालूम है पांव और फिर चलने की ताकत, ये अल्लाह की अजीम नेमत है, अल्लाह पाक की अजीम नेमत है। और इसकी कदर अगर पूछना चाहो तो उनसे पूछो जिनके या तो पांव ना हो या फिर वो चल न सके, उनसे पूछो कि क्या कदर होती है पांव की और चलने की ताकत की। नादानों, उस जगह चला करो जहां अल्लाह और उसका रसूल राजी हो, उन जगहों से अपने आप को बचाओ और वहां उन मुकामात की तरफ कदम न बढ़ाओ जिसकी तरफ कदम बढ़ाने से गुनाह होता हो, अल्लाह नाराज हो, उसका रसूल नाराज हो, और कयामत में आप जवाब न दे सके और जवाब देकर भी शर्मिंदा और शर्मसार हो। हर हर कदम के बारे में कयामत को पूछा जाएगा कि कदम उठाने का मकसद क्या था। और एक और रिवायत है, उसमें अल्फाज ये है कि इंसान जो खुतबा देता है, खिताब करता है, गुफ्तगू करता है, बोलता है, कयामत के दिन इसके बारे में भी पूछा जाएगा कि खिताब करने वाले, बोलने वाले, नसीहत करने वाले, लोगों को बुलाने वाले, बता तेरा मकसद क्या था, अल्लाह और उसकी रसूल की रजा थी या कुछ और था, उससे भी पूछा जाएगा, उससे भी सवाल होगा। और अल्लामा इब्ने कसीर ने तफसीर इब्ने कसीर में हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल नकल किया, उन्होंने फरमाया कि मिनन नईम अल गदा वल अशा, ये जो खाना होता है सुबह शाम का, डिनर और लंच, इसके बारे में भी क़यामत के दिन पूछा जाएगा। अल्लाह पाक ने जो खाना दिया इंसान को, खाना अजीम नेमत है अल्लाह की, खाना अल्लाह की अजीम नेमत है, क़यामत के दिन इसके बारे में भी पूछा जाएगा कि वो हलाल था या हराम था। आज तो हम खाने की लज्जत में और उसके टेस्ट में, उसकी मिठास और चाशनी में हराम और हलाल भूल जाते हैं, हमें ये फिक्र नहीं होती कि ये हलाल का है या हराम का, हम जो खा रहे हैं वो हलाल है या हराम है। लेकिन लोगों को कयामत के दिन सवाल होगा, पूछा जाएगा, कयामत के दिन सवाल होगा, पूछा जाएगा, इसलिए खाने से पहले देख लो कि वो हलाल है या हराम है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके खाने की इजाजत दी या उससे मना किया, ये हजरत इमाम हसन बसरी रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है कि लंच और डिनर के बारे में भी सवाल होगा, पूछा जाएगा। और हजरत मआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत, उन्होंने फरमाते हैं कि युस इन्नल मुमिन युस अल अनहु यौम अल क़ियामा عن جميع سعيه حتى كحل عينيه, फरमाया कि दुनिया में जितने भी इंसान के मशागिल हैं, उसकी एक्टिविटीज हैं, क़यामत के दिन, द डे ऑफ रेजुरेक्शन, द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत के दिन पूछा जाएगा। फरमाया यहां तक कि इंसान आंखों में जो सुरमा लगाता है, क़यामत के दिन इसके बारे में भी पूछा जाएगा कि सुरमा लगाने का मकसद क्या था, हुजूर सलाम की सुन्नत या कोई और मकसद था, सुरमा लगाने का मकसद आंखों की हिफाजत या कोई और मकसद था। तो हजरत मुआज ने फरमाया कि क़यामत के दिन इंसान के जितने भी मशागिल होंगे शब और रोज के, जितनी भी एक्टिविटीज होंगी, सब के बारे में पूछा जाएगा, यहां तक कि जो सुरमा लगाया आंखों में उसके बारे में भी पूछा जाएगा, सवाल होगा। लोगों सोचो, गौर करो कि हम कितने गाफिल हैं, कितने गाफिल हैं और कितने नादान हैं कि हमने अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को सही इस्तेमाल न किया, उसको सही यूज न किया, और ना हमने कभी सोचा, कभी हमने ना सोचा कि उसको हम इस अंदाज से इस्तेमाल करें जिससे अल्लाह राजी हो, उसका रसूल राजी हो, और कयामत के दिन हम इनके इस्तेमाल की वजह से और सही इस्तेमाल की वजह से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सुरखरों हो, कभी हमने ये नहीं सोचा। आज जितने भी गुनाह हुए सो हो गए,
जो गफलत हुई अल्लाह की नेमतों के बारे में सो हो गई, आज से फिर से अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो। मौला जो गलत इस्तेमाल किया उसे माफ कर दे और आंदा अपनी नेमतों के सही सही इस्तेमाल का मौका दे। आज हमारे नौजवानों के पास कंप्यूटर इंटरनेट आया, कितने नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने कंप्यूटर और इंटरनेट को सही इस्तेमाल किया। ये अल्लाह की अजीम नेमत है, कंप्यूटर और इंटरनेट भी अल्लाह की अजीम नेमत है। नौजवानों कयामत के दिन सवाल होगा, पूछा जाएगा कि तुमने उनको कंप्यूटर इंटरनेट को कैसे यूज किया, कैसे इस्तेमाल किया, रात और दिन मजे उड़ाते रहे या फिर दीन के खातिर इस्तेमाल किया, दीन का काम लिया। तो अगर अल्लाह ताला ने आपको इल्म दिया, इल्म से नवाजा, तो अपने इल्म को सही इस्तेमाल करो, अपने इल्म को सही इस्तेमाल करो और अपनी जिंदगी की नेमत का सही इस्तेमाल करो, अपनी सेहत की नेमत का सही इस्तेमाल करो और अपने अमन और पीस की नेमत का सही इस्तेमाल करो, ताकि क़यामत के दिन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंह देख दिखाने के काबिल हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी नेमतों के सही इस्तेमाल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला बलाग।